बच्चों, हेलो पेरेंट्स। किड्स कैरी की क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। किड्स कैरी की नर्सरी क्लास है और नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए वेरी कलरफुल यूजफुल वर्कशीट मैं आज लेकर आई हूँ। चलिए बच्चों, अपनी क्लास स्टार्ट करते उससे पहले आपसे पेरेंट्स और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वर्कशीट से आपके बच्चे कुछ सीख रहे हैं और आप कुछ हेल्प मिल रही है आपको अपने बच्चे को पढ़ाने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे हो मेरे नर्सरी क्लास की 2 पेज की वर्कशीट लेकर आई हूँ। बहुत ही यूजफुल वर्कशीट है, छोटे बच्चे हैं, डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट है, इसीलिए मैंने ज़्यादा लंबी वर्कशीट नहीं बनाई है। तो पहली वर्कशीट की का पहला क्वेश्चन है, इस तरह से ए से लेकर जेड तक का पिरामिड बनाना है और इसमें फिल करना है बच्चों को कि ए से लेकर के जेड जो फिर मिसिंग है उसको फिल करना है। तो चलिए क्लास में हम अपनी मिसिंग स्टार्ट करते हैं। जो मिसिंग है उसको मैं लिखना है ए और का बोलते जाना है बच्चे को और फिल करते जाना है। ए बी सी, सी के बाद क्या होता है बच्चों, डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, एल, एल के बाद क्या होता है एम, एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, क्यू, क्यू के बाद आर, एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कंप्लीट हमारा हो गया ना। तो पेरेंट्स, बच्चों को आप इस तरह से पेंसिल से बना कर देंगे और अगर आप चाहेंगे तो उलट फिर वो लेटर्स की कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपने बनाया, बच्चों को पेंसिल से फिल करवाया, फिर उसको इरेज किया, फिर फिल करवाया, इस तरह से इस तरह की वर्कशीट बनाकर आप 2-3 टाइम बच्चों से यूज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस वर्कशीट से बच्चे अल्फाबेट जल्दी से लर्न कर लेते हैं और सीख जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर लेटर्स। इसमें बिफोर लेटर दिया हुआ है, उसका आफ्टर में लिखना है। तो इस तरह से मैंने बनाया है, तो हमें इसमें सबका बिफोर लिखा हुआ है, उसका आफ्टर में लिखना है। तो चलिए एक एक करके फिल करना हम शुरू करते हैं। बी है, बी के बाद सी, ई है, ई के बाद एफ, एल, एल के बाद एम, पी है, पी के बाद क्यू, टी, टी के बाद यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स। मैंने थोड़े से बनाया है, आप इस तरह की ड्राइंग बहुत सारी भी बना कर दे सकते हैं और बच्चे को ड्राइंग के साथ बच्चे को स्टडी करने में बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है, वो बोर नहीं होते। हमें और नर्सरी क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको बोरिंग एजुकेशन आपको नहीं देनी है, उनको प्ले प्ले में हमें सिखाना है। तो इस तरह से कलर वाला वर्कशीट बना कर आप उनसे आफ्टर लेटर करवा सकते हैं। अब हम इसी तरह से बिफोर लेटर करेंगे। हमने एक एक फिल कर रखा है, अब बिफोर को फिल करना है। इस तरह से मैंने ड्राइंग बना रखी है। अब इसमें एक एक लेटर आफ्टर लिखा हुआ, बिफोर लिखना है। जैसे बी, बी का बिफोर क्या होता है, बी से पहले कौन सा लेटर आता है ए, इस तरह से फिल किया, ए बी हो गया। पी, पी के पहले क्या आता है, पी के पहले आता है ओ, इस तरह से फिल किया, ओ पी। अब यू, यू से पहले क्या आता है टी, इस तरह से फिल हमारा हो गया। अब हमारा यहाँ पे एस लिखा है, एस का बिफोर लेटर कौन सा होगा आर। आप इस वर्कशीट के बच्चे अगर एस, ये इस वर्कशीट के साथ जब भी दे आफ्टर इस वर्कशीट के साथ दें, वन टाइम बच्चे कंफ्यूज होंगे तो यहाँ से मैच करके भी लिख सकते हैं। 2-3 टाइम ये करेंगे तो इन्हें आफ्टर बिफोर लेटर्स अच्छी तरह से आ जाएगा। डी, डी का आफ्टर लेटर कौन सा होता है बिफोर लेटर, ए बी सी, सी डी, इस तरह से सी फिल किया हमने। आई, आई से पहले कौन सा लेटर होता है एच। तो ये था हमारा बिफोर और आफ्टर की एक्टिविटी। अब हमारा है राइट द फर्स्ट लेटर, पिक्चर देख करके इसका पिक्चर का फोनिक साउंड करके फर्स्ट लेटर लिखना है।
तो एक एक पिक्चर को समझना है और उनको बोलना है। ये पिक्चर क्या है? एप्पल का है। एप्पल ए फोनिक किसका होता है? ए का। ये क्या है? कप का पिक्चर बनाया। कप का फर्स्ट लेटर का सी। हमारा बैट का पिक्चर बना है ब बी। ये हमारा मैट का पिक्चर है मैट म एम। ये पेन का पिक्चर बना है पेन प पी। ये फिश का है फ एफ। अगर इस तरह से बच्चों से करवाएंगे तो बच्चों को फोनिक भी आ जाएगा और अच्छी तरह से लर्न भी करेगा। तो आई होप कि आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ पेरेंट्स और बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम नेक्स्ट किड्स कह रहे कि नेक्स्ट क्लास से फिर से हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तब तक के लिए लर्न कीजिए। बाय बच्चों, बाय पेरेंट्स।